दोस्तों, मैं आर्टिस्ट आनंद एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि हम लोग चर्चा करते हैं रेलवे एस्टेब्लिशमेंट रूल्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीजी अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड। जब किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती उस कंडीशन में उस फैमिली को कंपेंसेट करने के लिए उस फैमिली के जो भी डिपेंडेंट मेम्बर है उनमें से एज पर एलिजिबिलिटी उनको अपॉइंटमेंट दिया जाता है रेलवे में, तो उसी के सारे जो परिस्थितियां हैं किस किस परिस्थिति में अपॉइंटमेंट दिया जाता है उन्हीं को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है सीजीए अपॉइंटमेंट के जो लोगों के लिए भी, साथ साथ जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं उनके लिए भी। तो ये मैंने नीचे वेरियस जो कम्पिटिटिव डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है उनके बारे में लिखा है और उनके लिए ये यूज़फुल होने वाली हो सकती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसका ये पार्ट वन रहेगा जिसमें हम लोग सर्कमस्टांसेस के बारे में देखेंगे। बाकी पूरा चैप्टर कवर करो तो दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए इसको पार्ट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। कंडीशन सर्कमस्टांसेस दिए हुए हैं कि जब कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है, तो उसमें पहली कंडीशन ये बन जाती है कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट क्यों दिया जाता है। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दिया जाता है कि एम्प्लॉय को एक सहानुभूति के तौर पर, कि अगर मान लो उसकी उस सर्विंग एम्प्लॉय की ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूटी या डाई इन हार्नेस, मतलब जीवन में उसकी सर्विस के दौरान उसकी डेथ हो जाती है, या फिर वो मेडिकली डिकेटेगराइज हो जाता है या इनकेपेसिटेटेड हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अब उस फैमिली को किसी भी तरह से अपना सर्वाइव करने के लिए कोई ना कोई तो ब्रेड अर्नर चाहिए। तो उस कंडीशन में उसका जो भी डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर रहेगा उसको अपॉइंटमेंट दिया जाता है। वो कौन डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर हो सकता है उसके बारे में इसमें अलग अलग कंडीशन दी हुई है। तो पहली कंडीशन ये हो जाती है सर्कमस्टांसेस में कि अगर मान लो ये जो सीरियल दिए हैं ये इस प्रकार से एक प्रियोरिटी वाइज दिया हुआ है, जो प्रियोरिटी की लिस्ट होती है उसी के हिसाब से दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू प्रियोरिटी लिस्ट। तो अगर मान लो कोई एम्प्लॉय है जिसको जो कि किसी अपने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूटी उसकी अगर मान लो डेथ होती है, कोर्स ऑफ ड्यूटी मतलब ड्यूटी पर गया है एम्प्लॉय, ऑन ड्यूटी है, और उस कंडीशन में किसी एक्सीडेंट में किसी भी अन्य प्रकार से अगर उसकी डेथ हो जाती है ऑन ड्यूटी, या फिर उस एक्सीडेंट के कारण वो क्रिपल हो जाता है मतलब काम करने में सक्षम नहीं रहता है और वो कोई भी प्रकार का काम आगे के इन फ्यूचर में वो कर नहीं पाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है सीजे अपॉइंटमेंट दिया जाता है। अब ये कंडीशन किसके साथ हो सकती है, लोको या ट्रैफिक रनिंग वाले जैसे पॉइंट्समैन हो गए, लोको के ट्रैफिक लोको रनिंग वाले स्टाफ हो गए, इनके साथ अगर कोई मिसहैपनिंग या एक्सीडेंट होता है जिसके कारण या तो उनकी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ड्यूटी अगर उनकी डेथ होती है या फिर वो क्रिपल्ड हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो है सीजे अपॉइंटमेंट दिया जाता है। सेकेंड कंडीशन हो गई, सेकंड कंडीशन में डाई इन हार्नेस वाइल इन सर्विस, जब वो सर्विस में थे उसी सर्विस के दौरान मतलब रिटायरमेंट से पहले अगर उसकी किसी भी कारण से नेचुरल डेथ या किसी भी प्रकार से मतलब ऑन ड्यूटी ना होके ऑफ ड्यूटी कंडीशन में उसकी अगर डेथ होती है तो उसको जो बोला जाता है डाई इन हार्नेस, सर्विस के दौरान मृत्यु। नंबर तीन कंडीशन इसमें आ जाती है कि जब एम्प्लॉय है और गवर्नमेंट मतलब एज अ रेलवे एम्प्लॉय वो किसी कारण से अचानक से गायब हो गया, उसका पता ही नहीं किसी को कि कहाँ गया है, मिसिंग जिसको बोला जाता है, वेयर अबाउट आर नॉट नोन, मतलब उसका पता किसी को नहीं मालूम कि वो कहाँ पर है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया अगर ये पीरियड जैसे मान लो कि एम्प्लॉय उसका मिसिंग हुआ है और वो लगातार 7 सालों तक उसको ट्रेस कर रहे हैं, FIR करा दी, पुलिस भी ट्रेस कर रही है, लेकिन उसका वेयर अबाउट आर नॉट नोन पता नहीं चलता है, तो उस कंडीशन में वो उसका जो है सेटलमेंट का पैसा चाहे उसको, देखिए एम्प्लॉय अगर मिसिंग है तो उसका सेटलमेंट का पैसा बनता है, वो सेटलमेंट का पैसा उसको दिया जाता है, और सेटलमेंट का पैसा अगर दे दिया गया हो या नहीं दिया गया हो इट इज़ अनदर थिंग। तो इस कंडीशन में क्या होगा, द लिमिट 7 ईयर की जो रहेगी उसके बाद में उसको फैमिली मेम्बर को उसको सीजे अपॉइंटमेंट दिया जाता है, और ये जो 7 ईयर की जो सर्विस की लिमिट है इस लिमिट को 3 ईयर तक रिड्यूस किया जा सकता है विद द अप्रूवल ऑफ जनरल मैनेजर, अगर वो देखते हैं कि केस में जो सेटिस्फाई होते हैं केस की कंडीशन से कि नहीं फैमिली को जो है कोई जल्दी ही किसी प्रकार का सीजीए अपॉइंटमेंट देना चाहिए, तो उस कंडीशन में जीएम साहब चाहें तो उसको 5-7 साल से 3 साल कर सकते हैं,
सब्जेक्ट टू द कंडीशन द पर्सन एम्प्लॉयमेंट ऑन कंपनसेट ग्राउंड वुड बी टर्मिनेट, और उसमें ये कंडीशन भी लिखी रहती है कि अगर मान लो एम्प्लॉई इन फ्यूचर में कभी भी ट्रेस हो जाता है तो उस कंडीशन में जो चीज़ें अपॉइंटमेंट में जो व्यक्ति को भी या जो डिपेंडेंट उसका जॉब में लगा था वो विड्रॉ कर लिया जाएगा, उसे रिजाइन लिखना पड़ेगा और वापस जो एम्प्लॉई था सर्विस में उसको रखा जाएगा। तो ये कंडीशन के साथ उसको अपॉइंटमेंट दिया जाता है। अब जो कंपेंसेशन अपॉइंटमेंट जो दिया जाता है मे बी डीलिंग फ्रॉम द पेमेंट ऑफ सेटलमेंट ड्यूज इन अदर वर्ड कंपेंसेशन अपॉइंट इन केस ऑफ मे नॉट बी डिनाइड या डिफर्ड, उसको मना नहीं किया जा सकता है, उसको आगे भी नहीं डिफर भी नहीं किया जा सकता, मतलब इन फ्यूचर पोस्टपोन भी नहीं किया जा सकता है। ये बोलते हुए कि सेटलमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ मिसिंग एम्प्लॉई आर स्टिल टू बी पेड, ये उसे अभी पेड करने हैं, ये बोलते हुए से जो है सीजी अपॉइंटमेंट को डिनाई नहीं किया जा सकता, डिफर भी नहीं किया जा सकता है। ये एक उसमें कंडीशन थी। इसमें चार फोर्थ कंडीशन ये आ जाएगी, नंबर प्रायोरिटी फोर्थ में आ जाएगा कि एक एम्प्लॉई है जो क्रिपल्ड हो गया वाइल इन सर्विस एंड डेवलप सीरियस इलमेंट। क्रिपल तो हुआ ऐसा कि उसको एक मतलब हार्ट डिसीज हो गई, कैंसर हो गया, ऐसी कोई जो नेचुरल मतलब देखा जाए तो एक डिजीज है वो अगर हो गई और उस कंडीशन के कारण क्या होगा, वो डिकेटेगराइज हो गया, मतलब एक्सीडेंट के कारण नहीं हुआ है, ओके, ऑन ड्यूटी एक्सीडेंट या कोर्स ऑफ द ड्यूटी एक्सीडेंट में नहीं हुआ है और अन्य किसी कारण से उसको हार्ट डिसीज हो गई, कैंसर हो गया, उस कंडीशन में अगर वो डिकेटेगराइज होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, और अगर वो नो अल्टरनेटिव जॉब, उसको अल्टरनेटिव जॉब सेम एम्प्लॉयमेंट पे नहीं ऑफर किया जा सकता है तो उस कंडीशन में सीजी अपॉइंटमेंट दिया जाता है। और जहाँ पर ऑन बीइंग और जिस कंडीशन में उसको मेडिकली डिकेटेगराइज किया जा गया है और एम्प्लॉई इज ऑफर अल्टरनेटिव पोस्ट और उसको अल्टरनेटिव जॉब दिया जाता है, लेकिन अल्टरनेटिव जॉब का मतलब हो गया कि जिस पोस्ट के लायक भी वो काम कर सकता है, मान लो उसको हार्ट डिसीज हुई जिसके कारण कि वो कोई सेफ्टी कैटेगरी में काम नहीं कर सकता तो उसको नॉन सेफ्टी कैटेगरी में जैसे रेस्ट हाउस में एज ए वार्डन जॉनिटर इस टाइप से जो भी अगर कुछ रहेगा तो वो उसको जॉब दिया सकता है। तो अगर वो नहीं दिया, अगर वो दिया जा रहा है और अगर वो एम्प्लॉई मना कर देता है और बोलता है कि मुझे कंपेंसेशन अपॉइंटमेंट दे दिया जाए, मतलब उसके वार्ड को, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा कि यह पीरियड देखा जाएगा कि उसका पीरियड कितना है, अगर 3 साल से कम का पीरियड उसका बाकी है तो उस कंडीशन में पर्सनल अप्रूवल लगेगा कितना जीएम सर का, उसके बाद ही उसको सीजी अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। और जो भी इस कंडीशन में जो सीजी अपॉइंटमेंट दिया जाता है फोर्थ क्लास में ही दिया जाता है। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ हैंडीकैप डिमांड, हैंडीकैप एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई की डेथ हो गई और उसका जो बच्चा है मान लो वो हैंडीकैप्ड है, ठीक है, हैंडीकैप डिमांड ऑफ एम्प्लॉई ऑन कंपेंसेटेड ग्राउंड रजिस्ट्रेशन विद द स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होते हैं ना जो विकलांग लोगों के लिए उसको बोला जाता है स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है अगर मान लो हैंडीकैप डिमांड को अगर सीजी अपॉइंटमेंट देना है तो इस कंडीशन में, और अगर जो एम्प्लॉई रहे जो कैंडिडेट रहेगा वो क्लेम करेगा फिजिकली हैंडीकैप होने का तो उस कंडीशन में उसको जो जनरल क्राइटेरिया है एनेक्सर बोर्ड के ये जो लेटर के आधार पर 1978 के, तो कंपिटेंट मेडिकल ऑफिसर जो है उसको एग्जामिन करेंगे, मतलब उसका मेडिकल लेंगे और उसके बाद में उसको अगर वो फिजिकली चैलेंज्ड एम्प्लॉई है कैंडिडेट है तो उसको उस अनुसार जो है उसको वेरीफाई किया जाएगा फिर उसको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं कि स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में उसका रजिस्ट्रेशन था या नहीं था। इन केस ऑफ रेलवे सर्वेंट हु इज़ मेडिकली इनकैपेसिटेटेड, एम्प्लॉई है जो मेडिकली इनकैपेसिटेट हो गया है एंड डीकैटेगराइज और रिटायर्स फ्रॉम द सर्विस एंड इफ ही कंपेंसेशन अमाउंट इज अदरवाइज मिसमिसबल सच अपॉइंटमेंट में बी ऑफर्ड ऑल्सो टू द वाइफ ऑफ द रेलवे सर्वेंट, एम्प्लॉई है जो इनकैपेसिटेट हो गया, डिकेटेगराइज हो गया एंड रिटायर फ्रॉम द सर्विस और उस कंडीशन में अगर मान लो उसकी कहीं अगर इस टाइप से अगर अपॉइंटमेंट देना परमिसिबल है तो अपॉइंट में भी ऑफर टू द रेलवे सर्वेंट की जो वाइफ है उसको अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है, लेकिन उसकी क्या कंडीशन रहेगी उसमें हम लोग कंडीशन देखते हैं। तो इस प्रकार ये सातवें टाइप का एक सर्कमस्टांसेस बन गए जिसमें वाइफ को अपॉइंटमेंट देना है। तो इसमें एक कंडीशन आ जाएगी कि या तो एम्प्लॉई जो था उसका कोई लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, या फिर सन या डॉटर जो भी है उसके बच्चे जो हैं वो माइनर है, तो इस केस में अगर उसकी वाइफ चाहे तो वो अपॉइंटमेंट अपने एलिजिबिलिटी के अनुसार ले सकती है, या फिर
इन सच केसेस द अपॉइंटमेंट विल बी अप्रूव्ड पर्सनली बाय द सीपीओ। लेकिन इस केस में जो अपॉइंटमेंट रहेगा वो पर्सनली अप्रूव्ड बाय सीपीओ रहेगा, मतलब इसको सीनियर डीपीओ इसमें अप्रूवल से काम नहीं चलेगा, इसमें सीपीओ का अप्रूवल लगेगा। और द रेल एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ नो प्रैक्टिकल डिफिकल्टी, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कोई सी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए ऑफरिंग अपॉइंटमेंट या जॉब देने के लिए उस वाइफ को। कैंडिडेट एलिजिबल एंड सुटेबल, जो भी एलिजिबल या सुटेबल है उसके अनुसार उसको कोई प्रैक्टिकली डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए। देयर इज़ नो बार इन गिविंग अपॉइंटमेंट। और ये जो मान लो एक फीमेल रेलवे सर्वेंट है और वो एक्सपायर अगर होती है तो उसके अगेंस्ट में उसके हस्बैंड को भी सीजी अपॉइंटमेंट में दिया जा सकता है उसको सीजी अपॉइंटमेंट। नॉर्मली ओनली द फादर इज टेकन। और एक कंडीशन अब ऐसी बन जाती है, पहले तो एम्प्लॉय था वो एक्सपायर हुआ, अब इस केस में वाइफ एक्सपायर हो गई है, हस्बैंड को जॉब मिल गया है। अब एक कंडीशन ऐसी बन जाती है कि जहाँ पर मेल और फीमेल मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों ही रेलवे एम्प्लॉय हैं, अब उस कंडीशन में क्या होता है कि जो फंडामेंटल राइट के हिसाब से जो ब्रेड विनर रहेगा वो ही रहेगा, फैमिली का फादर जो रहेगा वही ब्रेड विनर रहेगा। तो अब ब्रेड विनर फादर है, अब अगर मान लो उस कंडीशन में उस मतलब लेडीज़ की अगर डेथ होती है, फीमेल एम्प्लॉय की डेथ होती है, तो उस कंडीशन में ब्रेड विनर फादर तो है ही, तो उस कंडीशन में सीजी अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। वेयर इज अगर मान लो फादर ऑफ द फैमिली जो था मतलब हेड ऑफ द फैमिली अगर वो एक्सपायर होता है, तो उस कंडीशन में उस फैमिली के जो वार्ड रहेंगे जो सीजी अपॉइंटमेंट की क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे उनको अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। इसका मतलब ये कहने का, अगर मान लो दोनों एम्प्लॉय जॉब में है तो फीमेल एम्प्लॉय के एक्सपायर होने पर अगर मेल एम्प्लॉय ऑलरेडी लाइव है तो उसको सीजी अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाएगा। वेयर एज अगर मान लो मेल एम्प्लॉय एक्सपायर हो जाता है तो उसके अगेंस्ट में उसे जो डिपेंडेंट रहेंगे उसको जो है सीजी अपॉइंटमेंट दिया जा सकता है। अब इसमें 10th कंडीशन ये आ गई कि जहाँ पर कि विडो कैन नॉट टेक अप द एम्प्लॉयमेंट, विडो है जो अपना जॉब नहीं ले किसी कारण से वो नहीं करना चाहती है, तो रेलवे क्या करेगी, रेलवे उसका अपॉइंटमेंट का जो प्रोसेस रहेगी उसको पूरा कंप्लीट करके उस केस को अपॉइंटमेंट के लिए अपने कंसिडरेशन में लेके रख लेगी। ओके और जो माइनर सन जो भी रहेगा, अगर जिस दिन अगर मान लो वो उस कंडीशन उस समय टाइम फॉर द टाइम बिंग वो अगर माइनर है तो जब भी वो मेजोरिटी अटेंड करेगा उस समय उसको जो है बाकी की प्रोसेस फर्दर प्रोसेस कंप्लीट करके उसको अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। और जहाँ पर डॉटर हुए अटेंड मेजोरिटी, अगर मान लो डॉटर है जो मेजोरिटी अटेंड कर लेती है, या फिर अब एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि उसके जो बड़ी बच्ची बच्चे जो है, मान लो 3 बच्चे हैं उसके, एक लड़की है 2 लड़के, एक लड़की है वो अटेंड मेजोरिटी अटेंड कर चुकी है मतलब 18 साल से ज़्यादा हो गई है, एक बड़ा लड़का है जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड है, तीसरा बच्चा जो है वो माइनर है। और अगर मान लो वो जो विडो है वो चाहती है कि उसका जॉब थर्ड जो बच्चा है अनएम्प्लॉयड है उसको दिया जाए जबकि वो इस समय माइनर है, तो उस कंडीशन में जो है उसको इस टाइप का केस बनाकर उसको कंसिडरेशन में लेकर अपॉइंटमेंट को रखा जाएगा, जब वो अटेंड करेगा अपनी एज उस समय उसको अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। द माइनर सन हु इज अपॉइंटेड विल बी अटेनिंग मेजोरिटी ऑफ द एज विद इन द पीरियड ऑफ 5 ईयर ऑफ इवेंट ऑफ डेथ। अगर माइनर जो सन था वो अपनी एज को मेजोरिटी के लिए मतलब उसको मान लो 5 साल से ज़्यादा का समय लगता है तो बेसिस अपॉइंटमेंट ऑफ कंप्लीशन ग्राउंड, तो उस कंडीशन में उसको 5 साल के अंदर अंदर उसको मतलब 5 साल होने के बाद उसे अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। और वेयर इज नो, और जहाँ पर एक से ज़्यादा अगर बच्चे हैं माइनर बच्चे हैं, मान लो 3 बच्चे छोटे थे उसके, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो एल्डेस्ट माइनर सन रहेगा शुड बी कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट एंड वेन ही अटेंड द मेजोरिटी एंड नॉट एनी ऑफ द माइनर सन, और जो दूसरे से जो छोटे रहेंगे उनको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाएगा, जो भी सबसे पहला बच्चा मेजर हो जाएगा मेजोरिटी अटेंड कर लेगा उसको जो अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा। अब देख लेते हैं इसमें कि फर्दर इन सच केसेस द कंपिटेंट अथॉरिटी शुड बी सेटिस्फाइड अबाउट द बोनाफाइड ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ द विडो, जो विडो रहेगी उसकी जो रिक्वेस्ट है बोनाफाइड रिक्वेस्ट रहेगी उसको जो है उससे सेटिस्फाइड होगी। देयर इज नो सर्वा, और अगर मान लो सर्वाइविंग विडो नहीं है
किसी कारण से अगर वो भी नहीं है तो उस कंडीशन में क्या होगा कि द अपॉइंटमेंट शुड बी गिवन टू अ माइनर सन, ठीक है, व्हेन ही अटेंड द मेजोरिटी इंस्टेड ऑफ डॉटर, जो लड़का लड़की अगर है बड़ी तो उसको छोड़कर, या फिर जो एम्प्लॉयड सन है उसको भी छोड़कर, जो भी माइनर है, मतलब ऑटोमेटिकली या तो विडो अगर अपना बोनाफाइड रिक्वेस्ट देती है तो, या फिर अगर वो नहीं है तो ऑटोमेटिकली उसको ये समझ लिया जाएगा जो भी माइनर सन है जब वो अपनी मेजोरिटी अटेंड करेगा तब उसको अपॉइंटमेंट दिया जाएगा। तो इस टाइप से ये दोस्तों 10 कंडीशंस थी जिसमें सीजी अपॉइंटमेंट दिया जा सकता था। तो ये सभी कंडीशंस को हमने जो है थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करने की कोशिश की कि और कितने समय के बाद कौन अपॉइंट, मतलब उसके लिए किसका अप्रूवल लगेगा, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में चर्चा की। तो अगर आपको वीडियो आपके लिए यूज़फुल लगती है, अगर आपको पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप इस जो है MC 16 जो मास्टर सर्कुलर है उसकी अगर PDF फाइल, मतलब PDF फॉर्मेट में आप अगर स्टडी करना चाहते हैं तो आप मेरे इस जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं इसकी जो है PDF फाइल अपलोड कर दूँगा, वहाँ से आप स्टडी करके और अपना जो है अपना भी एक प्रकार से सर्कुलर का जो है एक फाइल बना सकते हैं जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें एक साथ में कंपाइल करके मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसी के साथ ही, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।